हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी गांव में एक महेंद्र सिंह नाम का जमींदार अपनी बीवी परमिंदर के साथ रहता था। उनकी रहमत नाम की एक बहुत ही सुंदर सी बेटी थी। महेंद्र और उसकी बीवी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे और ऐसे ही एक दिन उनके पास कमल नाम के एक NRI लड़के का रिश्ता आता है और थोड़े ही दिनों बाद वो अपनी भाभी नैन तारा के साथ रहमत को देखने आता है। आइए जी आइए बैठिए। अरे परमिंदर है, जरा इन लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ जी होने लेके आई। आलो जी, वैसे बड़े भाई साहब नहीं आए? जी नहीं, वो दरअसल आना तो चाहते थे लेकिन उन्हें किसी जरूरी काम से पेरिस जाना पड़ गया। वैसे आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। हाँ जी जरूर। रहमत हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आ जाती है और कमल को वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। नयनतारा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और उनसे दहेज की बात करना शुरू कर देती है। जी देखिए, वैसे तो घर में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके बड़े भाई साहब ही हैं। वो इस वक्त यहाँ नहीं है तो बाकी की बातें मुझे ही करनी पड़ेंगी। जी जरूर। जी तो कितनी प्रॉपर्टी आप हमारे नाम करना चाहेंगे? महेंद्र नयनतारा की सारी शर्तें मान लेता है। थोड़े ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कमल और रहमत होटल में चले जाते हैं जहां वो अपनी सुहाग रात मनाते हैं। अगले ही दिन वो दोनों एयरपोर्ट पर लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी कमल रहमत से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। रहमत उसका इंतजार करते करते थक जाती है और वो उसे ढूंढने लगती है लेकिन कमल उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो एयरपोर्ट से रोती रोती अपने घर आ जाती है। उसके माँ बाप उसे इस हालत में देखकर उससे पूछते हैं, रहमत पुत्र की होया, तू रो क्यों रही है? माँ वो मुझे कल एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले माँ। क्या बेटा तू क्या कह रही है? जी तुसे एक काम करो ना, जाओ सबनु लेके लब्बो, कमल अच्छे कितने होना है। महेंद्र कुछ लोगों को अपने साथ लेकर कमल को ढूंढने निकल पड़ता है। थक हार कर कमल अपने भाइयों के साथ जाकर पुलिस कंप्लेन कर देता है। वहां इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं, जी देखिए बाकी सब तो ठीक है, मैंने आपकी कंप्लेन लिख ली है, लेकिन आप सब लोगों ने उस लड़के के बारे में पहले कुछ पता करा था कि वो कौन है, कि कहां रहता है और क्या काम करता है वगैरह वगैरह? जी नहीं। जी देखिए ऐसा है कि ऐसे लोग नकली NRI बनकर आते हैं और एक अमीर लड़की से झूठी शादी कर उनकी प्रॉपर्टी और पैसा अपने नाम कर भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर की बातें सुन वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और रहमत को पता चलता है कि वो कमल के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। मैं कमल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाय, एक ही कह रही है पुत्र, तेरे पापा नु पता चल गया ना, वो तेनू ता इस बच्चे नु जान तो मार देंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो है जैसा है मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने हाथों से नहीं मार सकती माँ। तभी वहाँ से रहमत के पिता गुजर रहे होते हैं और वो उसकी माँ के साथ हो रही सारी बातें सुन लेते हैं। क्या तू उस इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली है जिसने तुझे 2 दिन की शादी के बाद बेसहारा छोड़ दिया था? नहीं पापा जी, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी और जो भी हुआ उसमें इस नन्ही सी जान का भला क्या कसूर था। मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगा। महेंद्र उसके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन रहमत की माँ बीच में आ जाती है और उसे भागने को कहती है। महेंद्र के आदमी रहमत का पीछा करने लगते हैं कि तभी वो अरमान नाम के लड़के जो कि दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है उसकी गाड़ी से जाकर टकरा जाती है और वो उससे कहता है, आई एम सो सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं?
तभी रहमत के पिता के आदमी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं और अरमान से कहते हैं, ओए इसे हमारे हवाले कर दे। प्लीज 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 मेरी जान बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। वो उन सभी को मार कर वहाँ से भगा देता है और रहमत से इसके पीछे की वजह पूछता है। तब रहमत उसे सारी बात बताती है और उसकी बात सुनकर अरमान उससे कहता है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल आप मेरे साथ दिल्ली चलिए ताकि आप इनसे महफूज रह सकें। रहमत अरमान के साथ दिल्ली चली जाती है और उसके साथ वहीं रहने लगती है। अरमान उसे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब दे देता है, जिससे वो अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना शुरू कर देती है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है, अरमान और रहमत में अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे अरमान को रहमत से प्यार हो जाता है और रहमत भी उसके अच्छे स्वभाव को देखकर उसे पसंद करने लगती है। ऐसे ही एक दिन अरमान अपने दिल की बात बताने के लिए रहमत को ऑफिस बुलाता है। अरमान आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ रहमत बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अरमान कहिए। रहमत बात ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती हूँ, पर मेरे पेट में पल रहा बच्चा, क्या आप उसे अपना नाम दे पाएंगे? देखो रहमत मैं जानता हूँ, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। अरमान और रहमत दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जल्दी से जल्दी शादी करने का फैसला लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरमान अपनी सगाई का फंक्शन रखता है जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, तो वहीं अरमान के बचपन का दोस्त कमल भी वहां आता है, जो कि वही इंसान होता है जिसने रहमत से शादी करके उसे धोखा दिया था। अरमान उसका स्वागत करता है। तो आ ही गया तू? अरे 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 मेरे बचपन के दोस्त की शादी है भाई, आता कैसे नहीं। वैसे एक बात बता, मैंने सुना था तेरे बिजनेस में काफी लॉस हुआ था। अरे हाँ यार अब सब ठीक है, मैंने अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लिया। अरे अब यहीं खड़ा खड़ा बात करेगा या मुझे भाभी से भी मिलवाएगा? आ चल मिलाता हूँ। अरमान उसे रहमत से मिलने ले जाता है और जैसे ही कमल को रहमत देखती है तो उसके चेहरे के आगे उसके अतीत का काला साया आ जाता है और वो स्टेज पर से ही रोती हुई अपने कमरे में भाग जाती है। अरमान उसके पीछे जाकर उससे पूछता है, रहमत रहमत बताओ तो क्या हुआ? अरमान आज मैंने उसी इंसान का चेहरा देखा जिसकी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। कौन है वो रहमत बताओ मुझे? वो और कोई नहीं, आपके बचपन का दोस्त कमल है। कमल की सच्चाई जानकर अरमान आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत नीचे जाता है। ऐसे में वो कमल की खूब पिटाई करता है और कमल एकदम से उसे पीछे धकेल कर उससे पूछता है, अरे यार आखिर बात क्या है, तू मुझे मार क्यों रहा है? मुझे शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त है, तूने रहमत से बस इसलिए शादी की ताकि उसका पैसा और प्रॉपर्टीज हथिया सके? जानता भी है वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सच जानने के बाद अरमान अपने दोस्त पर कोर्ट में मुकदमा दायर कर देता है। अदालत उसे धोखाधड़ी और रहमत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए 10 साल की सजा सुनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, रहमत और अरमान एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और थोड़े ही समय बाद रहमत एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।